पंत वो साहब आ गए। अरे ये तो रह गया। अरे जासम, अरे सिलपिटो, अरे क्यों क्या बोले यहाँ। अरे यहाँ अरे जल्दी आई सी। हाँ लीजिए। सिपाही जी अकाउंट्स की फाइल लाओ और ये ग्लास ले जाओ। साहब वो गिलास आपके लिए है, अपने ही पास रखिए। ठीक है फाइल लाओ। लाता हूं। ये क्या फाइल देने का तरीका है? जरा अदब से नहीं दे सकता? लेकिन साहब। अरे भोसले, अरे आओ नहीं बाबा। पंत जी आइए। आता हूं साहब। पंत ये हिसाब आपने लिखा है ना? जी जी हाँ। तो इन आइटम की रिसीट मौजूद है? जी हाँ बिल्कुल। रिसीट नंबर क्यों नहीं? रह गए होंगे गलती से, बाद में लिख देंगे। अभी लिखो, लो ये फाइल लो। सॉरी सर। साहेब राव आइए यहाँ। आता हूँ। आप इस विभाग के चीफ है ना? हाँ। हर एक महीने का अकाउंट पूरा हुआ या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है ना? हाँ। पिछले 3 महीने का अकाउंट अधूरा है। नहीं साहब, उसमें क्या हो गया कि गए महीने कुछ वाउचर्स नहीं मिले, इस वजह से जरा। समझ गए, अधूरा काम तुरंत पूरा करो। अभी करता हूँ। ये लो दे दीजिए। ये फाइल रख दो। मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। पंत साहब निकले घूमने लाइब्रेरी के बहाने। पंत ये गौमूत्र छिड़क दो पूरे ऑफिस में, मेरे आने से आपका ऑफिस भ्रष्ट हुआ होगा। इंसान का स्पर्श नहीं चलता आपको, और गाय का पेशाब चलता है। लो छिड़क दो। साहब राव लो कर लो बा। कितनी मगरूरी कितनी मगरूरी, हमको तो बिल्कुल सहन नहीं होगी। पंत ये सब हमको भी नहीं चलेगा। पूरा भ्रष्टाचार। भोसले लो
ये गोमूत्र अभी पूरे ऑफिस भर में छिड़क दो। चला ये ले। अरे अरे भोसले, हाथ मत लगाओ उस बोतल को। क्यों क्यों क्यों? उसने हाथ लगाया था ना। अच्छा हाँ, गोमूत्र को कैसे छूत लगेगी? अरे ये तो गौ माता का है, कितना पवित्र है, सदा पवित्र है। लो लो लो, छोड़ा। क्यों क्यों? मैं खुद ही छिड़क देता हूँ। हाँ, खुद ही छिड़क दो। अच्छा 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 अच्छा
भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस नमो तस्स 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 भगवतो अरहतो पंचशीलानि पाणातिपाता वेदमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेदमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेदमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेदमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेदय मज्जपमादट्टाना वेदमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेदय मज्जपमादट्टाना वेदमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 आदेश चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुषानं देशेथ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं परियोसान कल्याणं साथं संव्यञ्जनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित् परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम्य च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अम्पं पिसुत्वान धम्मं कार्येन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति शरणत्रय बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि स
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसंघं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसंघं शरणं गच्छामि तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं विधम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं विधम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं विसंघं शरणं गच्छामि तृतीयं विसंघं शरणं गच्छामि भाइयों और बहनों, मैंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। वास्तव में यह सत्याग्रह पीने के पानी के लिए नहीं था, बल्कि अछूतों को उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए था। यह सत्याग्रह बरसों तक चला। इसके बाद मैंने मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि हिंदू लोग हमें हिंदू मानते हैं या नहीं, हमें हिंदुओं का अधिकार देते हैं या नहीं। लेकिन हमें वो अधिकार नहीं मिला। हम लड़ते रहे, लड़ते रहे। यह झगड़ा क्यों है, कब से है? पहली बात तो यह है कि हम शूद्र हैं। शूद्र जात कब से पैदा हुई, कैसी पैदा हुई? पहले यह जात कर्म से थी, बाद में जो उस जात में पैदा हुआ उसी की जात शूद्र मानी गई। पहले शूद्रों के राज थे। बहुत साल पहले शूद्र राजा मौर्य था। वो न्यायप्रिय तथा कर्मकांड के खिलाफ था, इसीलिए पंडित वर्ग उस पर नाराज था। मौका पाकर एक पंडित सेनापति के हाथ वो मारा गया। पंडित लोगों ने पंडित सेनापति को राजा बनाया और मनुस्मृति में कुछ बदल किए गए, जिसमें शूद्रों को गांव से बाहर रहना था, गले में मटका लटका कर फिरना था। गांव में काम नहीं देना आदि बंधन ला दे जाते थे। अगर कोई शूद्र संस्कृत सुनता था तो उसके कान में कील मारने की सजा दी जाती थी। अगर कोई संस्कृत बात करता था तो उसकी जबान छाटी जाती थी। इन सनातनी लोगों ने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए देवदासी की निर्मिति शूद्रों की औरतों से की। शूद्र स्त्री का विवाह होता तो उसे ससुराल भेजने के पहले गांव वाले उसे एकांत में भेजते थे। खंडोबा की मुरली का उपयोग भी ये सनातनी लोग अपनी काम वासना पूरी करने के लिए करते थे और अब भी करते हैं। मंदिरों में जानवर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन शूद्र इंसान होकर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन वास्तव में यह धर्म दिखाई नहीं देता, किंतु सिर्फ कर्म कांड दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी राजा को राजा बनाने से इन्हीं पंडितों ने इनकार किया था। यह इतिहास है। इन्हीं पंडितों ने करवीर के राजश्री शाहू महाराज के खिलाफ अंग्रेजों के पास शिकायत की थी कि वो फितूर हैं। अंग्रेजों के इतिहास में शूद्रों का नाम प्रामाणिक तथा विश्वासु शूर जात ऐसा गौरवपूर्ण है। इन सनातनी वर्ग से मुझे भी भारी कष्ट उठाना पड़ा,
जब मैं विलायत से भारी शिक्षा पाकर अपने देश लौटा तो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव जी के पास गया। उन्होंने मुझे बड़ी नौकरी भी दी, लेकिन वो नौकरी मैं कर नहीं सका। दलितों की आजादी खत्म करने वाली तथा उसे गुलाम बनाने वाली मनुस्मृति मैंने जलाई, किंतु किसी पंडित पर उसका असर नहीं हुआ। चल रहा है जी? बड़ौदा की तैयारी तो आपने तय कर लिया? देखो रमा, बड़ौदा के महाराज ने मेरी पढ़ाई का खर्चा किया है, वो इसलिए कि पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं उनके दरबार में नौकरी करूं। हम उनके एहसान मंद हैं, उनके यहां नौकरी करना ये हमारा फर्ज है। ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या बोलो? इतने दिन परदेश रहे, अब आए तो फिर जा रहे हैं, ऐसे कितने दिन दूर रहोगे जी? देखो रमा, नौकरी तो मेरी पक्की है, लेकिन रहने के लिए जगह चाहिए। वहां पहुंचते ही मैं किराए का मकान लूंगा, फिर तुम सबको ले जाऊंगा। बस शंकर जी, ये सामान उठाओ। आया साहब, चलता हूं। राम राम साहब। राम राम। क्यों पंत, इस बोतल में क्या लाए हो? विस्की या ब्रांडी? छी 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 साहब राव, हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीजों को स्पर्श किया है? ऐसे? फिर क्या है इस बोतल में? अरे वो अपना क्या कहते हैं, अरे गाँव का, रे तमिल लोग क्या बोलता है उसको? गोमूत्र। गोमूत्र गोमूत्र। अजीब, वो अछूत आने वाला है ना ऑफिस में। अब ऑफिस में इसके साथ काम करना पड़ेगा तो हाथ को हाथ लगेगा ही। वो तो है, इन अछूतों की छाया भी पड़ी हम पर तो हमें नहाना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, क्या दफ्तर में नहाने का इंतजाम हो सकता है? नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं ना, इसीलिए ये गोमूत्र लाया हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया, हमें भी अछूत के साथ काम करना मंजूर नहीं है। हमको भी मंजूर नहीं है। अजी, ये हमारा अपमान नहीं, अरे महाराज के रिश्तेदार हम और एक अछूत हमारा अफसर बनकर हमारे सिर पे बैठे, ये हमें कभी मंजूर नहीं। लो कर लो बात, अजीब महाराज इन्हें मंत्री बना रहे हैं। क्या मंत्री? हम उनके काबिल नहीं क्या? लो आप ही देखो। अरे भाई, वो आदमी फॉरेन रिटर्न छे, एमए पीएचडी हुआ है, इंग्लैंड अमेरिका जा भी आया छे। किसने पैसे दिए थे? हमने ना, अपने बड़ौदा सरकार ने स्कॉलरशिप दी थी तभी ना। किसी का बहुत सीखा। मैं कहता हूँ एमए पीएचडी बार इतला भी हो गया तो भी जात बदली है क्या? नहीं नहीं नहीं, महार तो आखिर महार ही हुआ ना। अब मुझे ये बताओ, क्या हमारे ऑफिस में फॉरेन रिटर्न लोगों की कमी है? नहीं नहीं, दो तीन तो मिलेंगे ही ना। हाँ देखो पंत, मैं इसका काम करने वाला नहीं। अरे ओ साहब, हुआ तो क्या हुआ, मैं भी नाम का भोसले हूँ, असली मराठा हूँ। मैं इस साहब का काम करने वाला नहीं। मत करो। देखो पंत, हम ऐसा करेंगे। कैसा? नहीं नहीं, उनका जो टेबल है ना, वहाँ पर रखेंगे। क्यों क्यों क्यों? वो वहाँ से आएंगे, वहाँ पे बैठेंगे और वहीं से निकल जाएंगे। कल्लावाद, यानी झूठ अजूत का सवाल ही पैदा।
चलो चलो जल्दी 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 पंत अब कैसा रहा? अरे बिल्कुल ठीक। अब आने दो आने दो आने दो। पंत वो साहब आ गए। अरे ये तो रह गया। अरे जासम, अरे सिलपिटो, अरे क्यों क्या बोले जाओ। अरे जाओ, अरे जल्दी लपेटता हूँ, लपेटो लपेटो जल्दी। अरे आई सी, हाँ लीजिए। सिपाही जी, अकाउंट्स की फाइल लाओ और ये ग्लास ले जाओ। साहब वो गिलास आपके लिए है, अपने ही पास रखिए। ठीक है, फाइल ले आओ। लाता हूं। ये क्या फाइल देने का तरीका है? जरा अदब से नहीं दे सकता? लेकिन साहब, अरे भोसले, अरे यहीं आओ नी बाबा। पंत जी आइए। आता हूं साहब। पंत, ये हिसाब आपने लिखा है ना? जी जी हाँ। तो इन आइटम की रिसीट मौजूद है? जी हाँ बिल्कुल। रिसीट नंबर क्यों नहीं? रह गए होंगे गलती से, बाद में लिख देंगे। अभी लिखो, लो ये फाइल लो। सॉरी सर। साहेब राव आइए, यहाँ आता हूँ। आप इस विभाग के चीफ है ना? हाँ। हर एक महीने का अकाउंट पूरा हुआ या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है ना? हाँ। पिछले 3 महीने का अकाउंट अधूरा है। नहीं साहब, उसमें क्या हो गया कि गए महीने कुछ वाउचर्स नहीं मिले, इस वजह से जरा। समझ गए, अधूरा काम तुरंत पूरा करो। अभी करता हूँ। ये लो दे दीजिए। सिपाही ये फाइल रख दो। मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। पंत साहब निकले घूमने लाइब्रेरी के बहाने। पंत ये गौमूत्र छिड़क दो पूरे ऑफिस में, मेरे आने से आपका ऑफिस भ्रष्ट हुआ होगा। इंसान का स्पर्श नहीं चलता आपको, और गाय का पेशाब चलता है।
लो छड़क दो। साहब राव लो कर लो बात, कितनी मगरूरी कितनी मगरूरी, हमको तो बिल्कुल सहन नहीं होगी। पंत ये सब हमको भी नहीं चलेगा। हा? हा? पूरा भ्रष्टाचार भोसले। हा? लो ये गोमूत्र अभी पूरे ऑफिस भर में छिड़क दो। अच्छा ला ये ले। अरे अरे भोसले हाथ मत लगा उस बोतल को। क्यों क्यों क्यों? उसने हाथ लगाया था ना। अच्छा हाँ, गोमूत्र को कैसे छूत लगेगी? अरे ये तो गो माता का है, कितना पवित्र है, सदा पवित्र है। लो 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 छोड़ा। क्यों क्यों? मैं खुद ही छिड़क देता हूँ। खुद ही छिड़क दो। मेरा शरीर ये रहा मेरा हाथी। अरे पर तुम्हें आशु करो जे भाई, सू सू मत करो हाथी। अरे तुम लोग लो मत लीजिए साहब चाय। अरे हाँ आइए आइए साहब आइए आइए बैठिए ना साहब बैठिए साहब बैठिए ना साहब आइए 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 बैठिए बैठिए कुछ लेंगे साहब चाय गरम ठंडा कुछ बैठिए बैठिए साहब चलिए। यासीन साहब को जरा चाय पिलाना। यासीन समझे समझ गया साहब समझ गया समझ गया। पीलो साहब पीलो पीलो गरम है साहब गरम है पीलो। अरे पत्ता बाकी ये बे बेयानी चार बेयानी चार चाने छः छः बे। साहब जा रहे हो क्या? हाँ कल ठीक 11 बजे आऊंगा। क्यों शाम को क्लब में नहीं आओगे? नहीं मेरा क्लब में आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। कल सब कुछ समझ गया। मुसलमान पारसी परधर्मियों के साथ खेलना आपको चलता है लेकिन मैं हिंदू होते हुए भी मेरी परछाई आपसे सही नहीं जाती क्योंकि मैं अस्पृश्य हूं महार हूं। कौन सा धर्म ऐसा कहता है? देखिए धर्म के बारे में आप हमसे बहस मत कीजिए। हाँ मैं किसी से हारने वाला नहीं हूँ। असल में इन जैसे सूत्रों को तो पढ़ने तक का अधिकार नहीं है। बराबर मनुस्मृति के चातुर्वर्ण में लिखा है ऐसा। क्या लिखा है मनुस्मृति में? एक जाती विजारते स्तु वाचा दारुणे आक्षपन जिह्वाया प्राप्ने आच्छेदम जधन्य प्रभो हिसा निक्षप्यो यो मयः शको जगन्नास्य दशांगुलः धर्मोपदेशम दर्पेण विप्राणामस्य कुवर्तः तप्तमास्य चैतैलम वक्रश्रोते च पार्थिवः। क्यों यही लिखा है ना तुम्हारी मनुस्मृति में? पढ़ा है हमने अध्याय 8वां श्लोक 269-271 यानी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। उसने कुछ भी किया तो चलता है लेकिन किसी शूद्र ने गाली दी तो उसकी जबान छाट दी जाए। उसने गाली देकर नाम और जाति का उच्चार किया तो उसके मुंह में 10 उंगलियां तपती सलाई डाली जाए। यदि वो गरूर से ब्राह्मण को धर्मोपदेश करने लगा तो राजा उसके मुंह में और कानों में उबलता हुआ तेल डालेगा। यही कहा है ना तुम्हारी मनुस्मृति में? इंसान इंसान में भेद करने वाली और स्त्री और शूद्र को हीन समझने वाली तुम्हारी ये मनुस्मृति मैं खुलेआम चौराहे पर जला दूंगा। समझे? आप मनुस्मृति जला देंगे? फिर ये रहेंगे क्या? मेरे रहने की या जाने की आप फिक्र न कीजिए। तरस आता है तुम पर, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठना बोलना यानी इंसानियत को धब्बा लगाना।
संस्थान ने मुझे स्कॉलरशिप दी, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन यहाँ न कीमत पढ़ाई को न बुद्धिमत्ता को, यहाँ कीमत है सिर्फ गोमूत्र को। इंसान की छूत गोमूत्र से धोने वाली तुम्हारी जाति, मुझे यहाँ रहना नहीं। हरगिज। लो कर लो बा, मनुस्मृति जला दूंगा, मनुस्मृति जला दूंगा। कितनी है मगरूरी, लो खुद ही देख लो, मुझे यहाँ रहना नहीं है। और रहेगा भी कैसे, हम लोग यहाँ रहने देंगे तब न। जागीर भाई घर बचे दूसू नदी चलो रे। आया आया फेंकी दो चौपड़ी, फेंकी दो बिस्तर, आ ट्रंक पर फेंकी दो। आ घर में पग मुकवाना नहीं। क्यों क्यों छे तू? तू मानस छू? तू धैर छे? धैर मानस नहीं के हूं, कहीं जानू नहीं। हमला ना हमला, चल तो थई जा। जागीर भाई, इस आदमी को यहाँ नहीं रखना, ये अछूत है। साहब हुआ तो क्या हुआ, अछूत हमारी बस्ती में रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं रहेगा। जागीर भाई, हाँ माने जो मने सवारे आ घर में दिखायो तो याद रखो। चलो रे, चलो 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 चलो। जाऊं छुपाए? मने माफ कर दो भाई। राम राम। शंकर, यशवंत, अरे सुनते हो? अचानक कैसे आना हुआ? मुझे नौकरी छोड़कर आना पड़ा। नौकरी छोड़कर? कोई भी हमें रहने के लिए जगह नहीं देता। कुत्ते बिल्लियां जैसे जानवर उनके घर में रह सकते हैं, लेकिन हम इंसान पर भी हमें रहने के लिए जगह नहीं, क्योंकि हम अछूत है ना। कितने बजे है देखा आपने? सुबह जल्दी उठना है ना? हम्म।
सुबह जल्दी जल्दी नहीं जल्दी हाँ जल्दी 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 उठना चाहिए रात को जल्दी सोना चाहिए इससे सेहत अच्छी रहती है सुबह जल्दी उठना चाहिए रात को जल्दी सोना चाहिए इससे सेहत अच्छी रहती है हाँ हाँ समझ गया अब तुम सो जाओ मुझे काम करने दो अजी सुनते हो थोड़ी तो नींद चाहिए बेचारे बच्चे आंगन में जाकर सो गए अब तुम उठते हो या नहीं नहीं तो किताब खींच लूंगी मैं हाथ से ओह क्या खिटखिट लगा रखी है मुझे काम करने दो ना क्या ऐसा लिखा है किताब में घर के आदमी को अपनी घरवाली की ओर अपने बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए ऐसा हो तो बताओ मुझे क्या हम घर गृहस्थी की ओर ध्यान नहीं देते कभी बच्चों के साथ बातचीत करते हो कभी घरवाली से बोलते हो एक तो घर में रुकते ही नहीं दिन भर बाहर घर में आते हो तो पीछे लोगों के झुंड और जब बाहर वाले नहीं होते तो किताब में सर डालकर बैठना खाने की भी सुध नहीं रहती तो फिर हमारी याद कैसे आएगी बाप रे रमा आज इतना कुछ बोल सकी तू और वो भी शुद्ध हिंदी में यानी अच्छी तरक्की की है कम से कम बोलने में हाँ सिर्फ बोलने में नहीं लिखने में भी तरक्की की है मैंने अब खुद भी लिख सकती हूँ मैं आपने ही सिखाया है ना मुझे अच्छा बोलो क्या कहना चाहती हो अब जरा लिखना बंद करोगे लिखना बंद करके कैसे चलेगा रमा कल के लेक्चर्स के नोट्स मुझे निकालने ही चाहिए तो क्या हमसे बात करोगे प्रोफेसर साहब हम प्रोफेसर बाहर कॉलेज में यहाँ नहीं यहाँ सिर्फ विद्यार्थी हमेशा किताब में गड़े हुए ओह अब बंद की ना किताब बोलो क्या कहना चाहती हो क्यों जी अब आप इतने बड़े प्रोफेसर बने तो बहुत बड़ी तनख्वाह मिलेगी मिलेगी ना देखो रमा औरत अपनी उम्र और मर्द अपनी तनख्वाह कभी नहीं सच बताते आप नहीं झूठ बोलेंगे मुझे पूरा भरोसा है बहुत बड़ी तनख्वाह मिलेगी तुम्हें मिलेगी ना हाँ रमा आज तक ट्यूशन क्लासेस और न जाने मैंने क्या क्या किया दिन रात मेहनत करके भी मेरे लिए घर चलाना असंभव था लेकिन अब दो पैसे हाथ में आएंगे सच तो पहली तनख्वाह मिलते ही बस आपके कपड़े सिलूंगी यशवंत और मुकुंद को स्कूल की कपड़ी लक्ष्मीबाई को अच्छी सी साड़ी शंकर को धोती और पैरण गौरी को घाघरा और चोली और आपके भी अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए घर में पहनने ओढ़ने के कपड़े भी कम पड़ते हैं बर्तन भी कम पड़ते हैं इस कमरे को अच्छा सा रंग लगाना चाहिए नहीं तो हम ऐसा करेंगे दूसरा मकान ही ले लेंगे अभी तो खरीद नहीं सकते वहां मैं अच्छा सा घर बसाऊंगी इतने बड़े प्रोफेसर आप इलायत होकर आए और ऐसे 3.5 रुपए किराए के मकान में रहोगे क्या हुआ कुछ गलती हुई हमसे नहीं तो फिर आप बोलते क्यों नहीं खामोश क्यों हो गए क्या बोलो रमा तुम्हारा भी कहना ठीक है जब से हमारी शादी हुई तुम्हें सिर्फ कष्ट उठाने पड़े हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सके सिर्फ कष्ट दो पैसे मिलने लगे तब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया यशवंत का मुकुंद का शंकर का लक्ष्मी भाभी का मेरा सबके बारे में सोचती हो तुम लेकिन खुद को छोड़कर यही तो भारतीय नारी की विशेषता है जो खुद को छोड़कर पूरे परिवार का सुख देखती है और खुद एक समर्पित जीवन बिताती है हम आज तक अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते रहे कभी प्यार से तुम्हारे साथ दो बातें नहीं की न तुम्हारे उम्मीदों का ख्याल किया कैसी बातें करते हो हमने कभी शिकायत की है आपसे परदेश जाकर आपने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की नाम रोशन किया अब अच्छी खासी नौकरी भी है और क्या चाहिए मुझे मैं इसी में ही सुखी हूँ रमा तुम्हें जो कुछ मिलता है उसी में तुम संतोष मानती हो
इसलिए सुखी हो, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। अधूरी? हाँ रमा, बड़ौदा सरकार ने मुझे जो स्कॉलरशिप दी थी उसकी मुद्दत पूरी हो गई, मुझे वापस बुलाया गया और बैरिस्टर बनने का मेरा सपना टूट गया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। तो क्या हुआ, आप जरूर बैरिस्टर बनो, आप पीछे मुड़कर न देखिए, आगे बढ़िए, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। बोलना आसान है रमा, लेकिन पैसा ना हो तो पढ़ाई करना मुश्किल है। कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज और मेरे एक स्नेही सेठ ना मेरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने पास कुछ तो चाहिए ना, पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। पूरे दिन कॉलेज में होते हुए भी मैं सिर्फ एक स्लाइस और एक चाय लेता हूँ। लेकिन क्यों भूखे रहते हो, घर में भी सुबह कुछ खाते नहीं और बाहर भी दिन भर एक पाव के टुकड़े पर? नहीं नहीं, ऐसा ना करो जी, पैसा बचाने के लिए भूखे पेट मत रहो, जो कुछ करना है मैं करूंगी, सिर्फ 100 रुपए दीजिए मुझे हर महीने, उसी में ही मैं निभाऊंगी। बच्चों को नए कपड़े की कुछ जरूरत नहीं, बर्तन तो है घर में, लेकिन आप पढ़ो, पढ़कर बैरिस्टर बनो। हाँ रमा, मैं पढ़ूंगा, बैरिस्टर बनूंगा और बैरिस्टर बनने के बाद मेरे दलित भाइयों के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित करूंगा। उसके लिए पैसा जमा करना जरूरी है, 1-2 साल में 6-7 हजार इकट्ठे होंगे, कुछ कोल्हापुर के शाहू महाराज से और कुछ सेठना से लेकर मैं फिर परदेश जाऊंगा और मेरी पढ़ाई पूरी करूंगा। हाँ, लेकिन रमा तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, एक बार मैं बैरिस्टर बन गया ना तो फिर रमा। क्या हुआ रमा, हमसे कुछ गलती हुई? नहीं तो फिर खामोश क्यों हो गई? आप फिर परदेश जाओगे? जाना तो पड़ेगा। आप परदेश जाते हैं तो मेरा जी नहीं लगता जी, अकेलेपन की तन्हाइयां नहीं नहीं जाती, आपके साथ सूखी रोटी चलेगी, लेकिन अब मुझे अकेली छोड़कर मत जाइए जी। रमा, अकेली क्यों समझती हो खुद को? हम औरतों की दिल का दर्द आप मर्द नहीं समझ सकते, जब आप यहां होते हैं तो आपकी सेवा में पूरा दिन निकल जाता है और जब आप यहां नहीं होते तो बच्चों की याद सताती है। रमा, गंगाधर 1.5 साल के होते ही मेरी गोद से उठा लिया भगवान ने, उसके बाद रमेश हुआ, लेकिन वो भी नहीं रहा, उसके बाद इंदु का जन्म हुआ, लेकिन वो भी नहीं रहे, मेरे तीनों बच्चे छीन लिए मौत ने। रमा, क्या हमारे दिल में कुछ भी दर्द नहीं? तुम्हें अपने गए हुए बच्चों का दुख महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे दिल में न जाने कितने दुखों की आग भभकती है। पिताजी हमें छोड़ गए, मानो भगवान ने हमारा छत्र छीन लिया। पिताजी के पीछे आनंद राव पूरे परिवार का भार संभालता था। रमा, रमा, मेरी पढ़ाई बंद न हो इसलिए वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन भरी जवानी में वो भी हमें छोड़ गया। मेरी लक्ष्मी भाभी विधवा हो गई, मुकुंदा अपने पिता का प्यार खो बैठा, अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। तुम्हारे लिए, मेरी लक्ष्मी भाभी के लिए, अपने बच्चों के लिए मुझे 2 पैसे कमाने चाहिए, लेकिन उसके पहले मेरे दलित भाइयों के लिए मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। रमा, हमारा समाज इतना दुख और अवमान सह रहा है जो देखा नहीं जाता, गांव में जाके देखो, आज भी हमारे अछूत भाई दूसरों का झूठा खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, गंदी नाली का पानी पीकर अब प्यास बुझाते हैं,
जिस नदी में जानवर नहाते हैं उस नदी के पानी को हमें छूने भी नहीं देते। हमारी बस्ती गांव के बाहर किसी गांव वालों पर हमारी छाया पड़ी तो भी उसे छूत लगती है। यही तो बदकिस्मती है अपनी। भगवान ने हमें नीची जाति में जन्म दिया, इसलिए हमें ये दुख सहना पड़ा। आखिर यही तो अपना धर्म है। धर्म? कौन से धर्म ने कहा है ऐसा? जो धर्म अशिक्षित को अशिक्षित और निर्धनों को निर्धन रहने की शिक्षा देता है वो धर्म नहीं बल्कि धर्म के नाम पर दी जाने वाली सजा है, रामायण सजा है। नहीं नहीं ऐसा न कहो जी, धर्म के बारे में ऐसा कहना पाप है। न जाने हमारे हाथों से कौन सा ऐसा पाप हुआ था जो हमारे तीनों बच्चे उठा ले गया भगवान। और रमा ये तुम्हारी अंधश्रद्धा ये भोलापन ये गलत ख्याल, इन्हीं के कारण पूरा समाज गुलामी में सड़ रहा है। हमारे समाज का यह अज्ञान ये दरिद्रता ये सब जड़ से काटनी चाहिए। उसके लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, संगठन करना चाहिए और एक ऐसा जंग छेड़ना चाहिए जिससे इस गुलामी की जंजीरें टूट जाएगी। रमा मैंने निश्चय किया है स्पृश्य समाज अच्युतों से होने वाली छूत को जिस पानी के बूंद से धो लेते हैं उस पानी के लिए मैं पहला सत्याग्रह करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। पढ़िए ना, मैंने कब मना किया? आप अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करो, रूखी रोटी क्यों ना हो, मैं सबको खिलाऊंगी, मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई में बाधा ना आने दूंगी। बड़ी समझदार हो तुम रमा। तो भी मैं एक इंसान हूं, एक साधारण स्त्री हूं, आपकी धर्म पत्नी हूं। मेरे दिल का दर्द सिवा आपके मैं किसे बताऊं? दिल का दर्द दूसरों से कहा तो बोझ हल्का हो जाता है। रमा अब तुम सो जाओ, दिन भर थक जाती हो, कष्ट उठाती हो, मेरा थोड़ा काम बाकी है, वो हो जाने के बाद मैं भी सो जाऊंगा। मेरी एक प्रार्थना है, सुनोगी? बोलो। मैं आज तक आपकी हर एक बात मानती आई हूँ, आज मेरी बात मानोगे? क्यों नहीं, यहाँ बैठिए कुर्सी पर। मुझे जी भर कर देख लेने दो। क्या पहली बार देख रही हो तुम मुझे? बैठ जाइए ना, मेरी छोटी सी तमन्ना पूरी करो जी। अच्छा बैठता हूँ बाबा। अरे रमा ये क्या पागलपन है, मेरे चरण क्यों छूती हो? मैं क्या कोई देवता हूँ? मेरे लिए तो आप ही मेरे देवता हैं, देवता से भी बढ़कर हैं आप, बहुत बड़े हैं आप। रमा Thank you.
चाची, ओ चाची। आई बेटे, ला ए, ला बेटा। रमाका, रमाका। मामा आया, मामा अरे आया। हाँ, हाँ, हाँ। मामा आया, खूब कमाया अपने लाडले भांजों को, चना चुरमुरा लाया। चना चुरमुरा लाया? हाँ हाँ, चना चुरमुरा लाया। लो भागो। कितना सताते हैं बच्चे मामा को। सताने दो, सताने दो। आज मैंने पूरे 12 आने कमाए हैं। हाँ, ये 10 आने बचे हैं, रख लो। लक्ष्मी भाई, खत आया? आया, शायद भीमराव भैया का ही होगा। शंकर, वो आ रही है, वो आ रही है। वो बैरिस्टर बन गए। अभी हमारी रमक्का बैरिस्टरिन बनेगी। साहब बैरिस्टर बन गए। हाँ हाँ, बैरिस्टर बन गए, लेकिन कैसे? हमारी बैरिस्टरिन यहाँ उपले बनाती थी, जंगल में घूमकर लकड़ियां जमा करती थी, मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। लक्ष्मी, रमा, राज रतन, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। हाँ बेटा, तू कौन है? तू शेर का बच्चा है, तू बड़ा बनेगा, नाम रोशन करेगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। या? क्या? ये खा लो। अभी काम करने दे। ये ले, पेन ले, लिखो। नहीं? अच्छा। नहीं? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, जाओ भागो, खेलो तो जाओ। अरे चश्मा पहनने दे, लो गोद में बैठो। देखो, नहीं अच्छा ठीक है, ऐसे पढ़ो पढ़ो। हाँ, बड़ा आदमी बनना है ना। राज रतन बेटे, हाँ लेफ्ट को घुमाओ, लेफ्ट बाएं बाएं, यार सामने देखो, सामने देखो। हाँ शाबाश मेरा मुन्ना बेटा, हाँ शाबाश। अरे अरे बेटे, हाँ हाँ ऐसे शाबाश, जोर से चलो, जोर से चलो, जोर से। ओह शाबाश शाबाश बेटे, शाबाश। नमस्कार बाबा साहब। नमस्कार। हेलो हेलो गांगुली। हेलो बाबा साहब, 302 का क्या हुआ? आज ही है। अच्छा, मैं वहीं जाने वाला हूँ। साहब साहब, क्या हुआ शंकर? राजरतन की हालत बहुत खराब है। हा? वो बेहोश हो गया है, आप जल्दी चलिए। माफ करना मुझे, चलो शंकर। राजरतन बेहोश हो गया, मेरे फूल से बच्चे को, मेरे फूल से बच्चे को क्या हो गया? बाबा साहब घबराओ मत, धीरज रखो, दवाइयां देता हूं, भगवान पर भरोसा रखो।
साहब, राजरतन को हमें दे दीजिए बाबा साहब, अपने को संभालिए बाबा साहब, अपने को संभालिए, लाइए बाबा साहब, लाइए बाबा साहब, रमा का संभालो, इसे हमें दे दीजिए बाबा साहब। शायद अपना राजरतन तितली बन गया। पानी दीजिए, बहुत प्यासा है मेरा बच्चा। पानी? अरे इसे पानी चाहिए। महाराज मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। ये पानी अछूतों के लिए नहीं है, पानी मांगने के लिए। अरे चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा बच्चा पानी भी नहीं मिलता। ये मेरी बहू है, पागल हो गई है, गुड़िया सीने से लगाए बैठी है। क्या हुआ माँ जी? गाँव में हैजा फैला हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। गंदी नाली का पानी पीकर हमारी बस्ती के बच्चे लोग एक एक करके चल बसे। बच्चे को पानी पिलाने के लिए ये मेरी बहू बामन के घर गई, पर वहाँ भी पानी नहीं मिला, नहीं मिला। पानी चाहिए, बच्चे को पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी पानी कहकर बच्चे ने जान छोड़ दी। अरे और ये पागल हो गई। हमारे बच्चे पानी के बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं, फिर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। माँ जी आप फिक्र मत करो, जब तक मेरे जिस्म में खून की आखिरी बूंद है, मैं इस पानी के लिए लड़ूंगा, लड़ता ही रहूंगा। साथियों अब हम संघर्ष शुरू करने वाले हैं। हम तैयार हैं।
साहब आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जान कुर्बान कर देंगे। नहीं, हम शांति और कानून से ही लड़ेंगे। तो फिर आप ही बताइए अब हमें क्या करना होगा। आप जानते हैं कि हमारे सी के बोले जी ने बंबई विधानसभा में अछूतों के लिए जो प्रस्ताव रखा था वो पास हो चुका है। इस प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक कुएं, तालाब आदि अछूतों के लिए खुले किए गए। इस प्रस्ताव के अनुसार महाड़ की नगर पालिका ने महाड़ का तालाब अस्पृश्यों के लिए खुला किया है, किंतु अपने लोग तालाब पर जाते ही नहीं। लोग डरते हैं साहब। क्यों डरते हो? आजादी का हक भीख मांगकर नहीं मिलता, वो लड़कर ही पाया जाता है। इस संघर्ष के लिए हमें अपने लोगों को तैयार रखना चाहिए। अगले मार्च में हम एक परिषद आयोजित कर रहे हैं। महाड़ के तालाब से ही हम हमारा संघर्ष शुरू करेंगे, इसलिए आप तैयार रहो। हम तैयार हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं। भाई और बहनों, मेरी कोकण की भूमि में महाड़ में हमारी यह परिषद हो रही है, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दापोली की पाठशाला में मैंने प्रथम दाखिला लिया था। एक जमाना था अछूत जाति का यहां आधिक्य था, पढ़ाई के बारे में भी यह समाज बहुत आगे था और उनकी यह तरक्की सैनिक के पेशा के कारण हुई थी। यदि अछूतों की सहायता न मिलती तो ब्रिटिश सरकार को इस देश में पांव रखना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन आज उसी अस्पृश्य समाज को सेना में नौकरी देना अंग्रेज सरकार ने बंद किया है। यह बंधन हटाने के लिए हमें भरकस कोशिश करनी चाहिए। अछूतों की तरक्की के लिए उनके मन पर जो पुराने अनिष्ट विचारों का जंग पकड़ा है उसे निकालना चाहिए। जब तक आचार विचार और उच्चार की शुद्धि नहीं होती तब तक अछूत समाज में जागृति का या तरक्की का बीज बोना असंभव है। यदि यह हालत हम बदलना चाहते हैं तो हम अछूतों ने सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए तथा उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मृत जानवरों का मांस न खाने की प्रतिज्ञा करो। भाइयों, आपस की उच्च नीचता की भावना छोड़ दो। महार जाति को गांव में न सम्मान है न इज्जत, उनका स्वाभिमान ही मानो खो गया। झूठे टुकड़ों के लिए इंसानियत बेचना यह बड़ी बेशर्मी है। पुरखों की चाल से चलना छोड़ दो। जो पुराना वो सोना है, इस कहावत के अनुसार सभी पुरानी बातों को हम अच्छा ही समझे तो कभी सुधार नहीं होगा। अपना बेटा अपने से बढ़कर हो, ऐसा जिन मां बाप को लगता नहीं उनमें और पशुओं में कुछ भी फर्क नहीं। हमें स्वावलंबन सीखना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए, स्वत्व का ख्याल रखना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। तभी हमारा उद्धार होगा। इस महान परिषद के सभापति डॉक्टर बाबा साहब, सम्माननीय सदस्य भाइयों और बहनों, आपने अभी डॉक्टर साहब का भाषण सुना। हमने एक प्रस्ताव मंजूर किया है, सार्वजनिक कुएं, तालाब और नदियों का पानी हम आम लोगों की तरह इस्तेमाल करें। मैं
माननीय बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण ऐलान की याद दिलाना चाहता हूं। अब दोपहर का समय है, कड़ी धूप से आप लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी के कारण आपको प्यास लगी है, इसलिए हम सब बाबा साहब के साथ उस तालाब पर जाएंगे, वहां पानी पिएंगे और सत्याग्रह करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब जय हो, डॉक्टर बाबा साहब जय हो, डॉक्टर बाबा साहब जय हो। हम इंसान होकर भी हमें इस तालाब के पानी को छूने से इनकार किया जाता है, क्योंकि हम अछूत हैं। यह अस्पृश्यता का कलंक धोने के लिए, साफ पानी पीने का हमारा हक कबूल करवाने के लिए हम यह सत्याग्रह कर रहे हैं। इस देश के 7 करोड़ अछूत भाइयों की इच्छा को गवा रखकर हम यह प्रतिज्ञा करेंगे कि ऐसे गुलामी से भरा हुआ जीवन इसके आगे हम नहीं बिताएंगे। औरों की तरह तालाब का पानी पीने का हमें भी हक है, और इसलिए महर के इस 14 तालाब का पानी पीकर हम हमारा हक साबित कर रहे हैं।
अबे डरपोक, अगर हिम्मत है तो ठहरो। हजारों सालों से हमारे तन बदन को लगा हुआ अस्पृश्यता का कलंक धोने के लिए हम वहां तालाब पर पानी पीते समय तुम लोगों ने हमारे बाल बच्चों पर जो कायरों की तरह हमला किया उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। हम इंसान हैं और इंसान को मिलने वाले सभी हक हमें भी मिलने चाहिए। आज तक हम अनाड़ी थे, अनपढ़ थे, लेकिन आज हमें हमारे हक के बारे में महसूस हुआ है। क्योंकि सनातनियों ने हम पर हमला किया, फिर भी हमारे लोगों ने शांत रहने की कोशिश की, संयम ढलने नहीं दिया। तुम सनातनियों को हम इशारा देकर रखते हैं, आइंदा ऐसी हरकत की तो हम जान की बाजी लगाकर प्रतिकार करेंगे। फिर खून बह गया तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, तुम पर रहे। मेरी बात तो सुनिए, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठिए। नमस्ते चित्रे जी, सुना आपने? क्या महार के सनातनी लोगों ने तालाब शुद्ध कर लिया है? हाँ, गोमूत्र से, यानी कि गाय की पेशाब से भी हम गए बिते। महानगर पालिका ने भी अपना पहला प्रस्ताव पीछे लिया और एक तरह से अपने सत्याग्रह का विरोध ही किया। हाँ। यह अन्याय है। अन्य लोगों की तरह पानी लेना या छूतों का भी अधिकार है और वो हम लेकर ही रहेंगे। फिर क्या करना होगा? फिर से सत्याग्रह। अस्पृश्यता यह मेरे शरीर का कलंक है और वो मैं मिटाकर ही रहूंगा। ऐसा जिसका पक्का इरादा है वही लोग सत्याग्रह के लिए अपना नाम दे। शांति भंग न होने के लिए सरकार किसी भी कानून के बहाने हमें जेल भेजेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए इस सत्याग्रह के लिए हमें निडर और स्वाभिमानी साथियों की जरूरत है। साहब, एक बार खून बहा है महाट के तालाब में, आप हुकुम करो, मर मिटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले मार्च के 19 तारीख को हम सब मिलकर यहां के तालाब पर गए थे। तालाब पर जाते समय स्पृश्यों ने हमें रोका नहीं, लेकिन उनका विरोध उन्होंने मारपीट करके जाहिर किया। हमारे अछूत भाइयों को मारपीट करने वाले लोगों को 4-4 महीने की सजा हो गई है और आज वे लोग जेल की हवा खा रहे हैं। यदि 19 मार्च को हमें कोई विरोध न होता तो यह साबित हो जाता कि इस तालाब पर पानी लेने का हमारा अधिकार स्पृश्य लोगों को कबूल है। यदि ऐसा होता तो आज हमें यहां आने की जरूरत न पड़ती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हमने ये आज की सभा बुलाई है। महार के स्पृश्य लोग बड़े समझदार हैं। वे सिर्फ खुद ही इस तालाब का पानी नहीं लेते, बल्कि मुसलमान आदि परधर्मीय लोगों को भी इस तालाब का पानी बिना हरकत देते हैं। मानव योनि से भी हीन योनि के पशु पंछियों को तथा जीव जंतुओं को इस तालाब पर पानी पीने का अधिकार है, किंतु अछूतों को यह अधिकार नहीं। स्पृश्य हिंदू दया के सागर हैं, इसलिए गाय जैसे निरुपद्रवी प्राणी के साथ वे करुणा से पेश आते हैं तथा सर्प जैसे उपद्रवी कृमि कीटकों की भी वो रक्षा करते हैं। अर्थात सर्वाभूति एक आत्मा, इस बात पर इनका विश्वास है। वो अपने ही धर्म बंधु को इस तालाब पर पानी पीने के लिए मना करते हैं, तब सवाल उठता है हमें ही उनका विरोध क्यों? इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। हिंदू लोगों के शास्त्र के अनुसार 4 वर्ण हैं, किंतु रूढ़ी और परंपरा से 5 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं और 5वां वर्ण है अतिशूद्रों का, जो रूढ़ी और परंपरा से बनाया गया। शास्त्रों के अनुसार बनाए गए 4 वर्ण भी 4 मंजिल वाली इमारत जैसे हैं, उनका सामाजिक दर्जा भिन्न भिन्न है। इस 4 मंजिल वाली इमारत को सीढ़ियां ही नहीं, हर एक ने अपने ही मंजिल पे अपनी जिंदगी बितानी है। नीचे के माले पर रहने वाला आदमी कितना भी काबिल हो, वो ऊपर के माले पर कभी नहीं जा सकता, और ऊपर के माले पर रहने वाला आदमी कितना भी गया गुजरा हो, उसे नीचे जाना नहीं पड़ता। पहाड़ के स्पृश्य लोग अछूतों को इस तालाब का पानी पीने नहीं देते। इसका कारण, अछूतों के छूने से वो पानी गंदा हो जाएगा या उसकी भाप हो जाएगी, ऐसा नहीं तो वो हमें बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते।
सौदार तालाब का पानी पीने से हम अमर नहीं होंगे, और आज तक हमने इस तालाब का पानी नहीं पिया तो भी हम मरे नहीं। हम सिर्फ पानी पीने के लिए तालाब पर नहीं जाना चाहते, औरों की तरह हम भी इंसान हैं। ये साबित करने के लिए हमें उस तालाब पर फिर जाना है। अस्पृश्यता ये मामूली बात नहीं, हमारे दरिद्रता की और हीनता की वो जननी है। अगर हमें ऊपर उठना है तो ये काम करना आवश्यक है। ये काम जैसे स्वहित का है वैसा ही वो देशहित का भी है। आज तक गांधी के विचारों के अनुसार हम समझते थे कि अस्पृश्यता ये हिंदू धर्म का कलंक है, लेकिन आज हम समझ चुके हैं कि वो हमारे ही शरीर का कलंक है। जब तक अस्पृश्यता को हम हिंदू धर्म का कलंक मानते थे तब तक उसे मिटाने की जिम्मेदारी हमने सवर्णों पर सौंप दी थी, लेकिन आज हमें महसूस हुआ है कि वो हमारे ही शरीर का कलंक है, तब उसे धोने का पवित्र कार्य अब हमें ही करना चाहिए। चाहे इसलिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी क्यों न पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। महार के तालाब का शुद्धिकरण करके तुम लोगों ने हमारी अपवित्रता जाहिर करने का प्रयास किया है, चाहे और करो, लेकिन तुम्हारे ही मुंह से हमारी पवित्रता कबूल करवाएंगे तभी हमें शांति मिलेगी। माताओं और बहनों, महिलाओं का यह कर्तव्य है, उन्होंने हर सभा सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विचार विनिमय करना चाहिए। यह सत्य है कि समाज में सुधार लाने का महत्वपूर्ण काम सिर्फ पुरुषों का नहीं महिलाओं का भी है। सिर्फ आपकी कोख से हमने जन्म लिया इसलिए हम अछूत हैं, और इसी वजह से हमारी छाया किसी पर भी पड़े तो उसे सहन नहीं किया जाता। लेकिन और महिलाओं के कोख से जन्म लेने वाले बच्चे होशियार माने जाते हैं। दूसरी औरतों में और तुम में क्या फर्क है? फिर तुम्हारी कोख से जन्मे बच्चों को इंसानियत का भी साधा अधिकार क्यों नहीं मिलता? आपका साड़ी पहनने का ढंग और कथिलों के नकली जेवर पहनना यही आपकी अछूत होने की निशानी है। अपने रहन सहन का ढंग बदलो, साफ सुथरा रहो, बासी खाना छोड़ दो, अपनी बहु बेटियों को खूब पढ़ाओ तो ही आप सुखी होंगे। नासिक के कार्यकर्ता भाऊराव गायकवाड़, रणखांबे जी तथा भाइयों और बहनों, मानवता का हक पाने के लिए हमने महार के तालाब पर सत्याग्रह किया। अब हम मंदिर प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से हमारे सभी सवाल हल नहीं होंगे। हमारे प्रश्नों का स्वरूप बड़ा व्यापक है, वो राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक, ऐसे कई प्रकार का है। लेकिन आज का हमारा यह नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह यह उच्च वर्णीय हिंदुओं को एक आह्वान है। हिंदू लोग इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार है या नहीं, इसका फैसला इस सत्याग्रह से होगा। यह सत्याग्रह सनातनी हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है, उसका यश हिंदुओं की मनोरचना पर निर्भर है।
क्या कहूं लक्ष्मी, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन क्यों? इन्हें मारने की धमकियां दी जाती है, जब तक ये घर नहीं आते मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। धीरज रखो रमा, डरो मत, अच्छे काम करने वालों के दुश्मन होते ही हैं। भगवान को भी राक्षसों से लड़ना पड़ा, हम तो एक मामूली इंसान हैं। अच्छा अब आप लोग जाइए, मैं सुबह ठीक 8 बजे ऑफिस में आता हूँ। अगर अरे आप लोग अभी तक जागते रहे, भाभी अभी तक सोई नहीं तुम? अरे क्या हो गया रामू, रोती क्यों? मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात? आपको गोली से मारने वाले हैं ना। मुझे? समझ गया, पूना के किसी ने खत भेजा है, हमें धमकाया है। तो क्या उस खत के कारण तू सचमुच घबरा गई? पगली, जिसे सचमुच मारना है वो इस तरह खत भेजकर सचेत नहीं करेगा, सीधा आकर अपना काम करेगा। मैं समझ गई, सिंहगढ़ पर भी आपको मारने के लिए लोग आए थे, आपको मारने का इरादा था उनका। क्यों दुश्मनी बोल लेते हो? एक तो आप दिन रात बाहर रहते हो, खाने की भी फिक्र नहीं करते, खाना भेजा तो वो भी बिना खाए वापस लौटा देते हो। रामा तू मेरी फिक्र क्यों करती हो, खुद की फिक्र कर, कितनी दुबली हो गई है तू, समय पर दवा लेती नहीं। दवा समय पर लेती नहीं, ऐसा क्यों? लेती हूँ, और अब क्या होने वाला है, भगवान मुझे जल्दी उठा ले जाए, बस यही एक तमन्ना है। वाह, हमसे पहले? वाह भाई वाह, आप हमारे से पहले जाओगी तो फिर हमारी देखभाल कौन करेगा? अच्छा छोड़ो इन बातों को, कोई आया था? ठक्कर बापा आए थे, ऑफिस में मिलकर गए हमें। गांधी जी ने येरोड़ा जेल में भूख हड़ताल शुरू किया है, उनका कहना है गांधी जी की जान बचाना केवल मेरे ही हाथ में है। सुनो जी, मेरी एक बात मानोगे, आपकी ये राजनीति तो मुझे नहीं समझती, लेकिन किसी की जान बचाना अगर अपने बस में है तो क्यों ना बचाई जाए। और गांधी बाबा तो सारे देश के नेता हैं, उनके प्राण बहुत अनमोल हैं। रमा, गांधी जी को बचाने के लिए यदि मैं हस्ताक्षर कर दूं तो क्या मेरे दलित भाइयों का विश्वासघात नहीं होगा? रमा मैंने उनसे साफ कह दिया, चाहे मुझे सामने के दिए के कम्बे पर चढ़ाकर फांसी दिया जाए मगर मैं अपने अछूत भाइयों का विश्वासघात नहीं करूंगा। देखिए जी, मैं आपको बेईमानी करने की सलाह नहीं दूंगी, फिर भी लगता है एक बार, सिर्फ एक बार गांधी जी से मिलाइए। जरूर जाऊंगा, मैं कल ही अरोड़ा के जेल में जाकर गांधी जी से मिलूंगा। सच? हाँ रमा। आपने हाँ कहा, मुझे बहुत संतोष हुआ। बाबा साहब आ रहे हैं, उनके साथ उनके साथीदार भी हैं। आइए बैठिए, कहिए। गांधी जी आप हम लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। हाँ, ये मेरी बदकिस्मती है, मैं जो कुछ करता हूँ कि भीख नहीं चाहिए। मैं अछूतों को हिंदू धर्म से अलग करना नहीं चाहता, देश के टुकड़े करना मैं नहीं चाहता हूँ। अलग प्रतिनिधि चुनने का हक सिर्फ अछूतों को नहीं दिया गया, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मुसलमान, सिख, इन सभी को दिया गया। यदि सिख और मुसलमानों को यह अधिकार देने से देश के टुकड़े नहीं होते तो अछूतों को यह अधिकार देने से देश के टुकड़े कैसे होंगे? यदि सबको यह अधिकार मिल रहे हैं तो अछूतों को क्यों नहीं दिया जाए? आपका कहना सही है, आपके कहने से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप
जन्म से अछूत है, मैं दिल से अछूत हूं। हिंदू समाज का विभाजन मैं नहीं चाहता, उसके लिए मैं मेरे प्राण देने के लिए भी सिद्ध हूं। लेकिन मैं मेरे करोड़ों अछूत भाइयों का हक हरगिज नहीं छोड़ूंगा। का रमा का उठो उठो, दवा ले लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहती हो, ले लो दवा लो। नहीं शंकर, बहुत कड़वा लगता है। देख रहा मक्का, तुम अगर दवा नहीं लोगी ना तो मैं क्या करूंगा मालूम है? क्या करेगा, मेरी पिटाई करेगा? नहीं तो क्या उनसे शिकायत करेगा? नहीं, अब तुम दवा नहीं लोगी ना तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, जैसे गांधी जी ने किया था। भूख हड़ताल? हाँ हाँ। शंकर साहब आ गए, पी लो दवा। जी आया साहब। कैसे हो रमा? अब अच्छी हूं। क्या हुआ जी? जो होना था रमा, आखिर हम भी इंसान हैं। गांधी जी की हालत ऐसी थी कि उनके मुंह से एक एक शब्द बड़ी मुश्किल से निकलता था। हमारे दलितों की हिफाजत जाग उठी और हमने पुनः पैक पर हस्ताक्षर कर दिए। भगवान भला करे, बहुत अच्छा हुआ। सुनो जी, मेरी और एक तमन्ना पूरी करोगे? बोलो। हम लोग पंढरपुर जाएंगे, पांडुरंग का दर्शन करेंगे। अब मैं थकी जा रही हूं, जाने से पहले एक बार पंढरपुर ले चलो मुझे। रमा दूसरा कुछ भी मांगो, लेकिन तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी नहीं कर सकता। रमा, जिस पांडुरंग के दर्शन के लिए तू इतनी श्रद्धा और भक्ति से जाना चाहती हो, वो पांडुरंग तुम्हें देखने भी नहीं मिलेगा। वे लोग हमें मंदिर में जाने नहीं देंगे। चलेगा, हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। तो भी मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार पंढरी ले चलो मुझे। रमा क्या है उस पंढरपुर में? हम एक नया पंढरपुर निर्माण करेंगे, सदाचारी जीवन, निस्वार्थ सेवा और दीन दुखियों के लिए किया हुआ त्याग, इनसे ही हम अपना नया पंढरपुर निर्माण करेंगे, नया मंदिर खड़ा करेंगे। बरसों से हम अत्याचार सह रहे हैं, क्यों हम इस धर्म में रहे? जो भगवान हमारा होकर भी हमें नजदीक नहीं आने देता, उसकी पूजा हम क्यों करें? तमाम यह अंधश्रद्धा छोड़, ये नाराज होने वाले तुम्हारे भगवान को मानने को मैं तैयार नहीं। मुझे उस भगवान की परवाह ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो जी। भगवान मिठू माराया, इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे। साहब पी के अत्रे आए हैं, भेज दो उन्हें अंदर। साहब इन्होंने ही आपकी भरी सभा में हंसी उड़ाई थी। तो क्या हुआ, उन्हें अंदर भेज दो। अच्छा। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे पास एक मर्डर केस आया है। अच्छा। उस पर मुझे आर्टिकल लिखना है। बहुत सारे वकीलों से मैं मिला, सभी ने आपका ही नाम सूचित किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, केस पेपर्स लाया हो? हाँ जरूर, ये लीजिए। देखिए अत्रे जी, कुछ साल पहले ऐसा मुकदमा हो चुका है,
आप ऐसा कीजिए, 12 नंबर की अलमारी में 5 नंबर का वॉल्यूम देखिए, पेज नंबर 185 पर मैंने अंडरलाइन किया है। परिवार में जन्म लेकर क्या आपने ज्ञान पाया है? क्या आपकी स्मरण शक्ति, कानून के बारे में आपका ज्ञान देखकर मैं प्रभावित हो गया हूं। आपका काम हुआ ना? बिल्कुल। अच्छा, नमस्ते। आपने जो मनुस्मृति चलाई उससे कितना हंगामा हो गया। ऐसा क्या था उस मनुस्मृति में जो आपने खुलेआम चला दी? रमा, मैं मानव धर्म का उपासक हूं। एक आदमी दूसरे आदमी को नीच समझता है, यह मुझे मंजूर नहीं। मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्रों को अत्यंत हीन बताया गया है, शूद्रों को अत्यंत भयानक सजा दी जाती थी। रमा, यदि किसी शूद्र ने ब्राह्मण को अपशब्द बोला तो उसकी जबान छाट दी जाती थी। धर्म की पोथी पढ़ी या सुनी तो उसके कानों में तपते लोहे की सलाई डाली जाती थी। रमा, तुम क्यों चिंता करती हो? अब आराम करो। ये क्या? हमें बचा लो। अरे भाई, क्या हुआ बोलो? साहब, मैं बर्बाद हो गया। साहब, मैं बर्बाद हो गया। रोना बंद करो, पहले बताओ तो सही क्या हुआ? आपने सभा में कहा था तो हमने गांव का काम करना छोड़ दिया। सारा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। दिन दहाड़े मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई। और देखते रहे खुली आंखों से? जाओ, सीधे वापस जाओ। Thank you.
रमा, वादा करो अछूतों के लिए नहीं लड़ूंगा। लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। वादा करो धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बोलूंगा, आखिरी दम तक बोलूंगा। बोलूंगा, बोलूंगा। रमा, क्या हुआ रमा? क्या हुआ रमा? क्या हुआ रमा? मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का? मैं ना, हाँ? सो जाओ, सो जाओ, हाँ, सो जाओ रमा। हे भगवान, इतना सब कुछ करने के बाद भी बुखार उतरता ही नहीं। राजरतन, राजरतन, सुनता ही नहीं। रमा, ड्राइवर जल्दी चलो, रमा मैम साहब बीमार है, जल्दी। रमा, रमा, तो ये पी लो, आराम आ जाएगा। ज्ञानुबा नहीं आए? आ जाएगा अभी। रमक्का, ज्ञानुबा आया है। नमस्ते। ज्ञानुबा जी, क्या अनुभव? भजन तो रोज सुनाते हो जी, आज मुझे वो गाना सुनना है। कौन सा गाना? हम राजगृह में रहने आए जी, तब बड़ा समारोह हुआ था। हाँ। उस समय गाया था तुमने। हाँ। उनका नाम सुनते सुनते वो मुझे ले जाए, यही ख्वाहिश है मेरी। सुनाते हो ना? सुनाता हूँ माते। देखो बड़ा होशियार, देखो बड़ा होशियार, दुनिया में उसकी जय जयकार, बोलो जय जयकार। राम जी का बेटा देखो बड़ा होशियार, देखो बड़ा होशियार, दुनिया में उसकी जय जयकार, बोलो जय जयकार। पाठशाला में गया, दरिया के पार परदेश गया। नन्ना भीमराव पाठशाला में गया, दरिया के पार परदेश गया। विलायत में जाकर हुआ बड़ा बेरिस्टार, बड़ा बेरिस्टार, दुनिया में उसकी जय जयकार, बोलो जय जयकार। बात करता है, बड़े बड़े साहेबों से झगड़ा करता है। अंग्रेजी में यस नो बात करता है, बड़े बड़े
जैसा है वो से झगड़ा करता है। हम दलितों का भाई बड़ा सरदार दुनिया में बुस की जय जयकार बोलो जय जयकार। माहौल में पानी को भी आग लगा दी मंदिर के दरवाजे पे मार दी हा देश भर भी कर दी भाई जंग की पुकार दुनिया में बुस की जय जयकार बोलो जय जयकार। बोल में जिस सभा में खरा खरा बोला राजा से कह दिया मुंह करो काला जैसी तेज तलवार दुनिया में बुस की जय जयकार बोलो जय जयकार। राम जी का बेटा देखो बड़ा होशियार दुनिया में बुस की जय जयकार बोलो जय जयकार दुनिया में बुस की जय जयकार बोलो जय जयकार दुनिया में बुस की जय जयकार बोलो जय जयकार। तमा आंखें खोलो मैं आ गया हूं। रामो कुछ कहना चाहती हो? आप तो नया पंढरपुर बसाने वाली थी फिर ये सन्यास किस लिए? ये सात कोटी दलित आपको माँ बाप समझते हैं और माँ बाप बच्चों को छोड़ते नहीं। अब ये कफनी फेंक दो।
साहब दरवाजा खोलो, 3 दिन हो गए साहब, अब तो दरवाजा खोलो। भीमराव, भीमराव दरवाजा खोलो, भीमराव, भीमराव दरवाजा खोलो, भीमराव ऐसा क्यों कर रहे हो, भीमराव दरवाजा खोलो। देवर जी, देवर जी दरवाजा खोलो, देवर जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो साहब, दरवाजा खोलो साहब, साहब दरवाजा खोलो साहब, भीमराव दरवाजा खोलो, भीमराव, भीमराव दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भीमराव। मिल गया पानी। पानी चाहिए, मिल गया पानी। अछूत कहीं के पानी चाहिए तुम्हें, पानी चाहिए, मिल गया पानी तुम्हें, पानी चाहिए। भगवतो अरह
हिंदू धर्म का मैंने त्याग जरूर किया, लेकिन मैं मेरी हिंदू मां बहनों का त्याग न कर सका। उनकी गुलामी मेरी बेचैनी बन गई, मैं चैन से सो न सका। हिंदू औरतों की गुलामी खत्म करने के लिए मैंने हिंदू कोड बिल बनवाया, एक ऐसा कानून बनवाया जिसमें हर हिंदू औरत अपने मर्द की गुलामी से आजाद हो गई, हर हिंदू महिला को अपने पिता की जायदाद में बराबर का हक मिला जो पहले नहीं था। एक से ज्यादा शादी करने का मतलब एक से ज्यादा औरतों को गुलाम बनाने का हक मैंने पुरुषों से छीन लिया। अगर कोई पुरुष किसी औरत को बिना कारण तलाक देता है तो उस औरत को नुकसान भरपाई मांगने का हक मिल गया। ऐसा कानून जो हर मां बहन और बीवी को आजादी दे रहा था, वो कानून हमारे हिंदू नेता मंत्रीगण पसंद नहीं था, उन्होंने विरोध किया और मैंने मंत्री पद का इस्तीफा दिया। अगर मैं चाहता तो ये हिंदू कोड बिल का कानून ही नहीं बनवाता और लाल बत्ती वाली गाड़ी में औरों की तरह मंत्री बनकर आराम की जिंदगी गुजारता। लेकिन मैं पैदा ही हुआ था आराम न करने के लिए, गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए। मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी रमा की जिंदगी, मेरे बेटों की जिंदगी मैंने गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए दांव पर लगा दी, सिर्फ आपके लिए, आप लोगों के लिए, आपकी गुलामी खत्म करने के लिए। बदले में आपसे मुझे क्या मिला? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, आपसे मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, एक ही चीज, सिर्फ एक चीज, एक हो जाओ। हर दलित, हर हिंदू औरत, हर गरीब मजदूर, हर गरीब किसान, एक हो जाओ। एक नई गुलामी छिपकर तुम्हारे गले में जंजीर डाल रही है और वो है गरीबी। और ये जंजीर पहना रहे हैं सरमाएदार, उनके साथ देने वाले और भ्रष्ट नेता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो